हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। आज हम इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट और फंडामेंटल्स जो है वो कवर अप करेंगे। उसमें सबसे पहले है डेटा, देन आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये फोर चीज़ें हमें आज देखनी है। उसके पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आपको सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस का बेसिक फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग है वो आता होगा, बिकॉज वेरिएबल, डेटा टाइप एंड देन आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल टू डेवलप योर प्रोग्राम इजीली। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ बेसिक फैक्टर एंटिटी दैट इज यूटिलाइज्ड इन कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन। इसका मीनिंग ये है कि डेटा जो है वो एक एंटिटी है जो कैलकुलेशन पर्पस बेस और मैनिपुलेशन पर्पस बेस हम यूज करते हैं। डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, डेटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है, डेटा अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकता है। देर इज टू डिफरेंट टाइप, न्यूमेरिकल डेटा एंड अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। एंड लास्ट पॉइंट है, डेटा टू बी प्रोसेस मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर फैशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन लीड टू स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा एंड हेंस द मिशन टू स्टडी द डेटा स्ट्रक्चर। अगर डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट और अगर डेटा स्ट्रक्चर हम नहीं सीखते और इस फंडामेंटल की यूज नहीं करते तो कोई भी डेटा है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर में हमको नहीं मिलता। और एडवांटेज क्या है डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन का, कि कोई भी प्रोग्राम हम जब डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर तो कम स्पेस एंड कम टाइम में हम अपना आउटपुट ले सकते हैं। ये तभी हो पाएगा जब हम डेटा स्ट्रक्चर को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द कंसेप्ट। नाउ वी विल सी the definition of data structure. Data structure is a particular way of storing and organizing data in a computer so that it can be used efficiently. यहाँ पे हमें two word पर focus करना है, storing and organizing data. इसका मतलब ये है कि with the help of data structure हम data को store कर सकते हैं as well as इन अ प्रॉपर मैनर ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर सकते हैं। सो एट द टाइम ऑफ रिट्राइविंग इट कैन बी गिव अस एफिशिएंट आउटपुट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। एंड इन अ फिगर यू कैन सी दैट अल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू योर एक्चुअल प्रोग्राम। जब हम अल्गोरिदम्स के कंसेप्ट प्लस डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट दोनों को मिलाकर जब हम अपना प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो सबसे बेहतर प्रोग्राम होता है। तो अल्गोरिदम का काम क्या होता है? अल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लॉजिक। यू कैन राइट योर लॉजिक स्टेप बाय स्टेप एंड बेस्ड ऑन योर लॉजिक यू कैन अप्लाई प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर ऑन दैट एंड यू विल गेट योर फाइनल प्रोग्राम। तो ये था कंसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर का। देन लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हम मेजर टू क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे। इसमें फर्स्ट है लीनियर लिस्ट एंड सेकंड है नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर का मतलब होता है सिक्वेंशियल। इसमें जो जो टाइप दी गए हैं वो सारे के सारे सिक्वेंशियल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, सिक्वेंशियल बेस्ड वर्कआउट करते हैं हमारे डेटा प्रोसेसिंग।
तो जो डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस वर्कआउट करेगा, एंड अनदर वन इज अ नॉन लीनियर लिस्ट। नॉन लीनियर मीन्स इट विल नॉट गो थ्रू दी सिक्वेंशियल मैनर। द एग्जाम्पल इज ग्राफ एंड ट्री। हम सभी को पता है कि ग्राफ एंड ट्री में कोई भी ऐसा लॉजिक और ऐसी प्रोसीजर नहीं है जिसमें हम सिक्वेंशियल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ग्राफ और ट्री जो है वो नॉन लीनियर लिस्ट, वहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता। मीन्स एक डेटा इंसर्ट हो गया, उसके बाद बेस्ड ऑन फर्स्ट सेकंड डेटा इंसर्ट होता है, ऐसा प्रोसीजर ग्राफ एंड ट्री में नहीं होता है। वेयर इन अ एरे स्टैक क्यू लिंक लिस्ट दिस फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट और फोर टाइप्स ऑफ कंसेप्ट बिलोंग इन लीनियर लिस्ट। वेयर इन अ नॉन लीनियर लिस्ट ओनली टू कंसेप्ट ग्राफ एंड ट्री। फर्दर थियरी लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल एरे स्टैक क्यू लिंक लिस्ट ग्राफ एंड ट्री इन डिटेल, एंड देर इज ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट, हमें वो भी देखना है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में जस्ट आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो वी हैव सी द डेफिनेशन ऑफ डेटा एंड व्हाट इज डेटा, देन सेकंड द कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, देन इट्स अ क्लासिफिकेशन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर लिस्ट एंड नॉन लीनियर लिस्ट। तो अभी तक का जो हमें डिस्कशन किया है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक और पॉइंट पर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।